hello, everyone. a very good evening to you all. to all my viewers, to all my dear students, and my wonderful friends. guys, let us today discuss a very important statement given by professor k. c. weir. k. c. weir termed indian constitution as quasi-federal one. generally, if you will study the constitutional law, then you will find that कि ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इंडिया का, federal है. Federal का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर एंड ऑन द अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट इज देयर और दोनों के बीच में डेमार्केशन है इनके पावर्स अलग हैं उनके पावर्स अलग हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया गया है लेकिन केसीवीर जो कि बहुत बड़े जुरिस्ट रहे प्रोफेसर रहे उन्होंने यह बोला कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजाई फेडरल है फेडरल रियल में नहीं है अगर आप क्वाजाई के लिटरल मीनिंग को आप देखिएगा देन यू विल फाइंड दैट कि क्वाजाई का मीनिंग है एज इफ इट वर एज इफ इट वर हमारा क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक होता है क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट क्वाजाई का मीनिंग एज इफ इट वर दिया गया है तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में देखो कि वीर ने ऐसा क्यों बोला कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली फेडरल नेचर का नहीं है, फेडरल है। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि वैलिड रीजन थे उनके कि बहुत जगह पर सेंटर स्टेट के पावर्स के ऊपर ओवर पावर कर जाता है इनक्रोच कर जाता है स्टेट के ऊपर हावी हो जाता है जैसे कि आप देख लो एसबीआई किसका है एसबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन सारे स्टेट्स में है रेल मंत्रालय स्टेट का कोई रेल मंत्री नहीं होता है लेकिन नेशनल लेवल पर सेंट्रल लेवल पर रेलवे मिनिस्टर होता है लेकिन रेलवे जो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म है स्टेशन है ये सारा कुछ तो आपके स्टेट को होकर के ही गुजरता है रक्षा मंत्री स्टेट का नहीं होता है रक्षा मंत्री यूनियन का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है मीनिंग देयर वाई वॉट कि हर जगह पर हम कैंटोनमेंट इंडिया का मतलब आर्मी कैंट होगा लखनऊ में आर्मी कैंट होगा पटना दानापुर में गया में बनारस में लेकिन स्टेट का उसमें कोई पावर नहीं है चीफ मिनिस्टर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इन्हीं सब कारणों की वजह से प्रोफेसर के सी वीर ने बोला कि डेमार्केशन ऑफ पावर्स एग्जैक्टली कहां हो रहा है ये तो कुजाई है ये तो मतलब लग रहा है कि ऐसा है लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं राइट एकदम ऐसा नहीं है कि स्टेट के पूरे एक्सक्लूसिव उनके वो राइट्स हैं और सेंटर के एक्सक्लूसिव राइट्स इनके हैं आप यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को भी देखोगे तो आपको चीजें अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी राइट जहां जहां पर स्टेट कुछ भी दाहिने बाएं होगा तो सेंटर सारा चीज पर ओवर पावर कर लेता है आप देखिए लॉकडाउन भी लगा तो किसने इंपोज किया प्राइम मिनिस्टर ने और पूरे देश में लग गया नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो बिहार में भी लगेगा आपके यूपी में भी लगेगा जो दिल्ली में रह, रह रहे हो वहां भी लगेगा प्रदेश महाराष्ट्र में भी लगेगा तो ये कर तो रहा प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ कोर्स प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन के बाद होगा लेकिन पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास है कर रहे हैं प्रेसिडेंट के नाम से अनाउंस हो रहा है लेकिन इंप्लीमेंट कहां पर हो रहा है स्टेट के अंदर तो इसी के कारण से कुजाई का मतलब ही ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल में वैसा है नहीं एज इफ इट वर बचपन में सोचो कि आप एक निबंध लिखते होंगे क्या अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नहीं मान रहे हो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री राइट तो क्वाजाई फेडरल इसी के कारण से प्रोफेसर के सी वीर ने बोला है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है पॉलिटी के लिए राइट right? और लॉ एंट्रेंस का तो आप कह ही नहीं सकते जुडिशियल सर्विसेस का कह नहीं सकते कि कितनी बार पूछा गया है तो आई वॉन्टेड टू डिस्कस इट विद यू And I hope that I have clarified uh, all the things, right? All the issues. Thank you guys for watching me. Do like, share, and subscribe our YouTube channel of Chanakya Clear Classes, Chanakya Judicial Academy, and Georgian IES. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Sriram.